सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपति अनुकंप्याम चमाम भक्ताम ग्रहाण अर्घम दिवाकर। आज जो है 16 दिसंबर की रात्रि 1:42 से, जो कहना चाहिए कि 17 तारीख से मलमास प्रारंभ हो जाएगा, जिसको कहते हैं खरमास। दिन तो तिल तिल बढ़ने लगती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें जब इस पृथ्वी पर पड़ती हैं मानव के शरीर पर, तो व्यक्ति उस धूप को, गुनगुनी धूप को लेकर के अपने आप में हृष्ट पुष्ट होता है। लेकिन इस माह में शुभ कार्य वर्जित है, मलमास जिसको कहते हैं। मलमास एक बुंदेलखंड की भाषा है हमारे यहाँ की, लेकिन इसके लिए कहते हैं कि खरमास। दिन खरे होने लगते हैं सूर्य किरणों के कारण, और धनार्क जिसको कहते हैं, इसमें विवाह कार्य वर्जित होते हैं, भूमि भवन से कार्य वर्जित होते हैं, मांगलिक कार्य प्रायः सभी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन भगवत भजन, निजी अनुष्ठान और विषम परिस्थितियों में कोई यजमान के लिए या कोई सनातनी बंधु के लिए कोई शारीरिक दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसमें जब पूजन का विधान बताया है कि जब अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे विषम परिस्थितियों में औषधि का सेवन करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है कि औषधि सेवन करना चाहिए, भोजन नित्य नैमित्तिक हम लोग करते हैं, इसी तरह भजन भी नित्य होना चाहिए। भजन आवश्यक है, लेकिन विशेष कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। जैसे कोई जन कल्याण के हितार्थ, कोई विश्व कल्याण के हित में अपन कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता है, ये वर्जित है। भूमि भवन से लेकर के नूतन कोई कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो है ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु में प्रवेश कर जाएंगे 17 तारीख से, तो इनमें सब विवाह कार्य आदि वर्जित हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। धनु की राशि जो इसमें धनु संक्रांति मानी जाएगी, और चैत्र माह जो होता है मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं सूर्य, तो मीनार्क हो जाते हैं। एक माह के लिए शादी विवाह मांगलिक कार्य प्रायः सभी वर्जित हो जाते हैं, जिसमें मीनार्क कहते हैं। और इसमें कल से जो धनु के सूर्य, धनु राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे गुरु की राशि में, तो ये धनार्क हो जाएंगे। तो धनु के सूर्यों में और मीन के सूर्यों में प्रायः 12 माह में अलग अलग प्रकार की संक्रांति होती हैं। जैसे 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी, तो उस समय से आपके मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, भूमि भवन से लेकर के गृह प्रवेश आदि से लेकर के सब कार्य शुभारंभ हो जाएंगे, विवाह कार्य भी शुभारंभ हो जाएंगे। अभी एक माह तक ना मुंडन होगा किसी बालक का, नामकरण, कर्ण छेदन आदि जो यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों में महत्वपूर्ण होता है वो भी वर्जित होता है। हमारे बुंदेलखंड पंचांग के मतानुसार जो पुजारी पुरोहित विद्युत संघ के द्वारा और भी जो बनारस के ब्राह्मण आचार्यों ने जो अनेकानेक काशी विश्वनाथ पंचांग, भुवन विजय पंचांग, लोक विजय पंचांग और बुंदेलखंड पंचांग, विशेषतः हमारे बुंदेलखंड के पुजारी पुरोहित विद्युत संघ के द्वारा जो निर्माण अनवरत कई वर्षों से हो रहा है, तो उसमें भी यही विधान दिया है कि धनार्क के सूर्यों में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो ऐसा हमारा सभी आचार्य ब्राह्मणों, सनातनी बंधुओं से है आग्रह है कि जो भी कार्य करना है 15 जनवरी के बाद में ही बड़े विशाल कार्य के रूप में जो कार्य करते हो वो आप करना, लेकिन अभी आपके लिए ये कार्य वर्जित है। इन पर विचार करना चाहिए प्रायः सभी सनातनियों के लिए कि, और प्रभु जब कृपा करते हैं तो उसके लिए ये भी कहा है कि तदेव लग्नम सुदनम तदेवो तारावलम चंद्रबलम तदेवो विद्यावलम देवबलम तदेवो लक्ष्मी पते तिम्यगम स्मरामि, और परमात्मा की जैसी परीक्षा। लेकिन
हमारे शास्त्र तो वर्जित कहते हैं कि शुभ कार्य वर्जित है, इसमें आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपके लिए फल की प्राप्ति ना हो। फल की प्राप्ति यदि आप रखते हो तो इन फल की प्राप्ति के लिए मुहूर्त से ही करना चाहिए। मुहूर्त में करने से व्यक्ति के लिए अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसलिए मुहूर्त कहा है। माने योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल अपने अनुकूल जब होते हैं तो आप छोटी सी छोटी पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे सनातन का, ये सभी ब्राह्मण आचार्यों का मत है, विद्वानों का मत है, मनीषी लोगों का मत है और यही शास्त्र का मत है जो शास्त्रों में उल्लेख है। शास्त्रों कहीं हमारे विद्वानों ने, खगोल शास्त्रियों ने जो खगोली घटना के विषय में बोलते हैं तो वो सत्य होता है, तो निश्चित ही ये वचन भी सत्य होंगे। आप ऐसा करेंगे जो शुभ मुहूर्त में पूजन करने का पुण्य फल आज से प्रायः 16 तारीख 16 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 जनवरी 2024 से ही शुभ कार्य करना है, उसके पहले